प्यारे विद्यार्थियों, मैं हाँ तो अध्यापक महेंद्र पाल ब्रेटा। अज आप नैस 2021 की तैयारी लई अभ्यास शीट 2 जमात पंजवी का अभ्यास करांगे। सब तो पहला साडा विशा है पंजाबी। हेठां दित्ती कहानी नूं पढ़ो अते प्रश्नां दे उत्तर दिओ। इसका टाइटल है कंजूस व्यापारी सेठ। एक बार एक अमीर व्यापारी सेठ ते उस दी पत्नी सठानी रहिंदे सन जो बहुत ही कंजूस सन। जदों उन्हां दे घर कोई मेहमान आउंदा तां उन्हां नूं लगदा जिवें कोई आफत आ गई होवे। एक बार उन्हां दे घर दो मेहमान आए, सेठ नूं फिक्र पै गया। उसने सोचिया कि इस तरह की कोई स्कीम बनाई जावे तां जो मेहमान चले जान। सेठ ने घर दे अंदर जाके सेठानी नूं कहा, सुनो, जदों मैं तेरे उत्ते चीकां तू भी अगों मैनू झूठ मूठ विच बोल कुबोल बोली, अते जदों मैं बाहर वल भज्जा तां तू मेरे पिछे वेलना लै के भज्जी। मेहमान समझ जाणगे कि घर विच लड़ाई हो रही है अते ओ वापस चले जाणगे। सेठानी बोली, ठीक है। कुछ देर बाद सेठ घर विच बैठा बैठा सेठानी उत्ते चीकन लगा। जवाब विच सेठानी भी उच्ची उच्ची बोलन लगी। सेठ घर तो बाहर वल भज्जा अते पत्नी भी उहदे मगर वेलना लै के भज्जी। मेहमाना ने अंदाजा लगाया कि कुछ तो गलत है अते ओ सोचन लगे, लगता है कि सेठ कंजूस है इसलिए वह सारा नाटक कर रहा है। चलो आप पहली मंजिल उत्ते चलीए अते जाके सौ जाइए। ये मन के मेहमान चले गए होंगे। कुछ देर बाद सेठ अते सेठानी घर मुड़ाए। मेहमाना नूं घर विच ना दे के सेठ बहुत ही खुश होया अते बोलिया, चंगा होया बला टली। फिर सेठ अते सेठानी एक दूजे की तारीफ करन लगे। सेठ बोलिया, मैं किन्ना हुशियार हाँ कि घर तो भज गया। सेठानी बोली, मैं किन्नी फुरतीली हाँ कि बेलना चुक के पिछे भज पई। मेहमान छत तो उन्हां दी सारी गल सुन रहे सन अते ओ बोले, असी किन्ने चलाक हाँ कि असी पहली मंजिल उते आराम नाल सौं गए। प्यारे बच्चे, ये कहानी नूं तुसीं बड़े आराम नाल पढ़ना है अते इस नूं समझना है। प्रश्नां दे उत्तर देने लई सही विकल्प उत्ते चक्कर लगाओ। इस कहानी नाल संबंधित कुछ प्रश्न साडे तों पुछे जाणगे जिन्हां नूं इस कहानी विचों समझ के असी उन्हां दे दित्ते हुए विकल्पां विचों एक सही विकल्प उत्ते गोल चक्कर लगाना है। साडा पहला प्रश्न है सेठ डैश सी। प्यारे बच्चों, इस दे चार विकल्प सानूं दित्ते हुए हन, दयालू, चलाक, कंजूस, झगड़ालू। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਠ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਜੂਸ ਸਨ। ਤਾਂ ਸੇਠ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਜੂਸ। ਇਸਦਾ ਈੜੀ ਵਿਕਲਪ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੇਠਾਨੀ ਸੇਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਲਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ? ਇਸਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਠ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੇਲਣਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲਣਾ, ਵੇਲਣਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ
पत्नी, ये सारिया पत्नी, पति की पत्नी मतलब कि उसकी घरवाली नूं पत्नी कहिंदे। हाँ ये काम नहीं है तां भज्जी, हाँ भज्जी एक किरिया है पर बच्चे वो भजना एक काम है, तां साडा सस्सा उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है भज्जी। सेठ ने कहा चंगा होया बला टली, इस वाक विच बला किस नूं कहा गया है? इस दे विचार विकल्प हन सेठ नूं, सेठानी नूं, मेहमाना नूं, वेलने नूं। प्यारे बच्चों असीं पढ़िया सीगा मेहमाना नूं घर विच ना देख के सेठ बहुत ही खुश होया अते बोलिया चंगा होया बला टली। किनू? मेहमाना नूं घर विच ना देख के, इहदा मतलब उसने जिहड़ी बला सी उह मेहमाना नूं कहा सी। इसका ईड़ी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। दित्ती गई कहानी विच सब तो पहला की होया? इस दे विचार विकल्प हन मेहमान घर आए, सेठ ने सेठानी उत्ते चीकिया, सेठानी सेठ दे पिछे भज्जी, मेहमान सौ गए। प्यारे बच्चों सब तो पहला मेहमान घर आए सी तां इहदा उड़ा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, मेहमान घर आए। ते हुण वारी है विशा वातावरण सिक्ख्या दी। हेठ लिखिया विच्चों केड़ा कार्ड तुसी 18 साल दी उम्र तो बाद ही प्राप्त कर सकते हो? प्यारे बच्चों इस दे चार विकल्प हन आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर पछाण पत्र। प्यारे बच्चों आधार कार्ड साडा जन्म दे नाल ही बन जाता है, 18 साल दा होण दी कोई जरूरत नहीं पैंदी। जदों ही साडा किसी भी बच्चे दा जन्म हुंदा है तो आधार कार्ड उसका उसे दिन बन सकता है। राशन कार्ड ये भी जन्म के नाल ही उसका नाम माता पिता राशन कार्ड के विच दर्ज करवा लेंदे हैं। इस दे लई भी 18 साल की उम्र की होने की कोई जरूरत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र, प्यारे बच्चे जन्म प्रमाण पत्र लई पैदा होंदे ही साडा नाम रजिस्ट्रेशन, जन्म रजिस्ट्रेशन करवाना पैंदा है। इसका जन्म प्रमाण पत्र दे लई भी सानू 18 साल की उम्र की होने की कोई जरूरत नहीं है। वोटर पछाण पत्र, हाँ प्यारे बच्चे साडा सही उत्तर की है वोटर पछाण पत्र। वोटर भाव वोट पाण लई साडी उम्र 18 साल की होनी बहुत जरूरी है। वोट पाण लई सानू वोटर पछाण पत्र बनवाना जरूरी है। हेठ लिखियां वस्तुआं नूं गिल्ली मिट्टी दे विच दबिया गया, कुछ सालों बाद उन्होंने पुट के कढ़िया गया, कि वस्तु बदलन की सब तो घट संभावना होगी? इस दे चार विकल्प हैं संतरे का छिलका, पेपर प्लेट, प्लास्टिक का कप, कपड़े का थैला। प्यारे बच्चे वो असी पढ़िया सीगा कि साढ़े लवे जो कूड़ा है वो दो तरह का होंदा है, एक गलनयोग एक ना गलनयोग। प्यारे बच्चे ना गलनयोग कूड़े की बदलन की संभावना सब तो घट होगी। असी देखना है संतरे का छिलका ये गलनयोग है, पेपर प्लेट पेपर की होने कारण ये भी गलनयोग है, प्लास्टिक का कप प्लास्टिक मिट्टी के विच नहीं गलता, इस दे बदलन की संभावना सब तो घट होगी। साडा सही उत्तर है ईड़ी, कपड़े का थैला, कपड़ा भी मिट्टी के विच गल जाएगा। तो साडा सही उत्तर की है प्लास्टिक का कप। ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਘਾਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਅੰਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਹੈ। ਗੰਡੋਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਲਈ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਗੰਡੋਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆੜਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ।
की होवेगा जे लड़कियां नूं खेडण दी इजाजत ना होवे। प्यारे बच्चे इस दे भी चार विकल्प हन, उन्हां नूं टैलीविजन देखण दा समां मिलेगा, उन्हां दे शरीरक विकास विच रुकावट आवेगी, उन्हां नूं ज्यादा पढ़न दी प्रेरणा मिलेगी, उन्हां नूं दोस्त बनाउण दी प्रेरणा मिलेगी। प्यारे बच्चे खेडण नाल साडे शरीर दा विकास हुंदा है। लड़का अते लड़कियां दोवां नूं खेडना बहुत जरूरी है। अगर असी ना खेडांगे तां साडे शरीर दा विकास भी नहीं होवेगा। तां इस दा आला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, उन्हां दे शरीरक विकास विच रुकावट आवेगी। प्यारे बच्चो उम्मीद करदा हाँ कि तुसीं भी पूरा जोर नैस दी तैयारी लई ला रहे होवोंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चो, शुक्रिया।